हेलो, आई एम रूबी और आपका स्वागत है कुकिंग विद रूबी में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा, जिसके लिए हमने 700 ग्राम चिकन लिया है। इसको मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। आधी कटोरी दही ली है, कुछ खड़े गरम मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई प्याज और कुकिंग ऑयल। अब सूखे गरम मसाले में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक। कढ़ाई में तेल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। गरम मसालों को 2-3 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। अब इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। और चलाएंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे लीड लगाकर तेल के ऊपर आने तक भूनेंगे, जिससे कि प्याज का कच्चापन चला जाए। अब 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा प्याज बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले को डालेंगे। मैंने इसमें सारे सूखे मसाले को डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट हम इसे इसी तरह से चलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें चिकन डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने देंगे। 5 मिनट बाद देखिए हमारा चिकन और मसाला दोनों भुन चुका है। मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है। अब इसी स्टेज पे हम फेंटी हुई दही को डालेंगे। और चलाएंगे। अब हम 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे और चलाएंगे। इसी स्टेज पे हम 1 कप पानी डालेंगे। दो मिनट के लिए लीड लगाकर छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद देखिए हमारा कोरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। कितना डिलीशियस लग रहा है। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अपना कमेंट देना मत भूलिए। देखिए ये कोरमा कितना अच्छा लग रहा है।